जी हाँ, वेलकम बैक। और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे मेहमान यहाँ पे मौजूद, बड़ी मज़े की बातचीत चल रही है। थोड़ी सी हम शेयर कर रहे होते हैं चीज़ें कि ईद किस तरह से मनाई जाती है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये जो एक्टर्स होते हैं ये कौन से प्लैनेट से आए होते हैं, इनकी ईद पता नहीं कैसी होती है। सो भैया, हमारी ईद भी वैसी होती है जैसी आपकी होती है, हमें बल्कि हमसे भी बेहतर होती है। कई हम तो ट्रांसमिशंस में ही जो है वो बहुत सारा वक्त अपना गुजार लेते हैं, लेकिन कम से कम आपको एंटरटेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको एंटरटेन करते रहें। भैया जबरान साहब, आपका सीरियल आने वाला है मैंने सुना। Yes. कौन सा सीरियल आ रहा है आपका? उसका वर्किंग टाइटल तो शायद है शामी की शादी। अच्छा। इट्स अ रोम कॉम, जो कि बड़ा कम हमें करने को मिलता है अब, वरना जैसे आपने बोला कभी मैं धोखा दे रहा होता हूँ, कभी मैं गुस्सा कर रहा होता हूँ, कभी लात भी मार रहा हूँ। तो ये एक रोम कॉम टाइप था। वकास ने डायरेक्ट किया, वकास ने डायरेक्ट, वकास शहजाद, वकास शहजाद तो आप तो जानी। हाँ, और आपके साथ गालबन काम भी किया है। बिल्कुल, मेरे साथ उसने एक्टिंग की और वेरी थैंकफुल टू हिम। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट दैट ही इज अ नीट डायरेक्टर। नए लड़कों में जैसे इस्लामाबाद में स्पेशली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो अच्छी बात है कि नहीं, टैलेंटेड है। मेरे साथ भी वो डिजिटल पे मुझे समझाता रहा, फैसल भाई इसको यूं करें, इसके साथ ये करें। मैं कहा मैंने नहीं समझ आंदी, तू अपना काम कर। यस, इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। शी वाज आल्सो इन इट विद मी। आप भी हैं उसमें? वेरी गुड यार। तो अच्छी बात यह कि इस वजह से इस्लामाबाद में काफ़ी चहल पहल हो रही है काम की, जो कि बहुत लैकिंग था। हाँ, बहुत ज़रूरी है। कराची में फंस गए थे हम सब। सो समहाउ अब तो लाहौर को ओवरटेक कर लिया इस्लामाबाद ने प्रोडक्शंस वाइज। हाँ, एंड इन टाइम्स टू कम। नहीं, कराची से इस्लामाबाद डायरेक्ट फ्लाइट है, ऐसी बात नहीं। मैं बल्कि दुआ कर रहा हूँ कि ये रेशो थोड़ी सी और बढ़ जाए, तो फिर आके बोरिया में इस तरह ऑफिस बनता है इस्लामाबाद ही ले, फिर यहीं से बैठ के। तुम्हारा तो काम भी यहाँ पर है। यस, घर भी है, बिजनेस भी है तुम्हारा, रेस्टोरेंट है, पेरेंट्स भी हैं। तो मैंने कहा फिर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और रेशियो ये बढ़ जाए तो फिर बंदा यहाँ भी बेस बना सकता है। अभी ये कि इवन नाउ कराची इज द प्लेस टू बी। ठीक है, लेकिन वर्किंग विद यू नो लाइक चैनल, और फिर आपका आप कह रहे हैं रोम कॉम है जो कि बहुत कम बनते हैं। या, या, और वो भी मेन स्लॉट के लिए। मेन स्लॉट के लिए वो exactly. बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि रोम कॉम है तो वो सेट कॉम होगा, उसको आप 7 बजे लगा दें, 7:30 बजे लगा दें, लेकिन 8 बजे एक अच्छा रोम कॉम देखने को मिले। एग्जैक्टली exactly.